हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आप जानते हैं किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी। राशन कार्ड पर मुफ्त अनाज ही नहीं लोन भी मिलता है, वह भी पूरे 10 लाख रुपए, ब्याज भी कम लेती है सरकार। खबर है कि देश में करोड़ों लोगों के पास राशन कार्ड है और मोदी सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराती है। अगर आप भी अपने राशन कार्ड पर मुफ्त राशन का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार राशन कार्ड पर सिर्फ अनाज ही नहीं सस्ती दरों पर लोन भी मुहैया कराती है। लोन की राशि 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की हो सकती है और इस पर ब्याज की दर भी सामान्य लोन के मुकाबले काफी कम रहता है। दरअसल हरियाणा सरकार अपने राज्य में इस तरह की योजना चला रही है। इस योजना का फायदा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड यानी बीपीएल कार्ड पर ही दिया जा रहा है। राज्य सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को व्यावसायिक तौर पर बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए ये लोन दिया जाता है जो खास तौर से बिजनेस के लिए ही मिलता है। अब हर विषय में लाने होंगे न्यूनतम अंक तभी मिलेगा अगले क्लास में एडमिशन। केरल में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब यहां के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे तभी उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। केरल सरकार ने विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं में सब्जेक्ट मिनिमम सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। दरअसल केरल के स्कूलों में सब्जेक्ट मिनिमम सिस्टम लागू करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इस नए सिस्टम को मंजूरी दी गई। अब राज्य के स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। विनेश फोगाट के साथ खड़ा है पूरा देश, पीएम मोदी ने बंधाया ढांढस, पीटी उषा बोली, आईओसी में उठाइए जोरदार आवाज। बता दें कि लगातार 3 रेसलरों को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और जब उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर को हराया था तब पूरे देश को लगने लगा था कि सिल्वर तो तय है पर गोल्ड भी आ सकता है। पूरे देश को इंतजार था, आज महिला रेसलिंग फाइनल होने वाला था। देश की बेटी विनेश फोगाट चैंपियन बनने वाली थी लेकिन सिर्फ किस्मत को ही दोष दे सकते हैं। विनेश फोगाट फाइनल मैच से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विनेश का हौसला बढ़ाया और साथ में उनको चैंपियन करार दिया। पीएम मोदी ने विनेश को डिस्क्वालीफाई होने पर ट्वीट किया, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीयों के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख दे रही है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो अनुभव मैं कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं जानता हूं कि आप जुझारूपन की प्रतिमूर्ति हैं, चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूपी में रिटायर्ड टीचर्स की होगी चांदी, हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए। बता दें कि यहाँ यूपी में रिटायर्ड टीचर्स की चांदी होने वाली है क्योंकि जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें दोबारा भर्ती करने वाली है और यही नहीं उन्हें इसके लिए बकायदा मानदेय देने की भी तैयारी है। सब कुछ तयशुदा रहा तो इन टीचर्स को 6,000 रुपए महीने का मानदेय भी मिलेगा। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने स्कूल हर दिन आए कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसी कार्यक्रम के तहत इन रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इन टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके लिए प्रशासन से निर्देश जारी किए गए हैं, ब्लॉक स्तरीय समिति ऐसे टीचर्स का चयन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल हर दिन आए शारदा कार्यक्रम में शामिल न होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी इन रिटायर्ड टीचर्स को दी जाएगी और इसके तहत स्कूल न आने वाले बच्चों को ये रिटायर्ड टीचर्स पढ़ाने का काम करेंगे और इसके लिए उन्हें बकायदा मानदेय भी दिया जाएगा। HDFC का लोन हुआ महंगा, मौजूदा ग्राहकों के लिए भी बढ़ेगी EMI, ब्याज दर में हुआ इजाफा। खबर है कि HDFC बैंक ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दर 8 अगस्त से लागू हो जाएगी। बैंक ने MCLR में 5 बेसिस या 0.05% का इजाफा किया है। वहीं बैंक के द्वारा MCLR के आधार पर दिए गए लोन की ब्याज दर अब 9.10% से लेकर 9.45% तक हो जाएगी। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान जब लोन देता है तो उसे जो मिनिमम ब्याज चार्ज करना होता है वह MCLR कहलाता है और यह किसी भी लोन पर न्यूनतम ब्याज को दर्शाता है।
कर्ज लेने वाले को इतना ब्याज चुकाना ही होता है, बशर्ते कि आरबीआई इसमें अपनी ओर से कोई बदलाव न कर दे। बता दें कि बदली हुई ब्याज दर का असर उन पुराने ग्राहकों पर भी होगा जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हुआ है। बांग्लादेश के लोगों ने गिराई सरकार, अब निकल रहे आम आदमी के आंसू, काम नहीं आ रही है भारत से भेजी गई मदद। बांग्लादेश में जारी हिंसा का असर प्याज पर भी पड़ रहा है और खबर है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर नासिक से गए प्याज के कई ट्रक फंसे हुए हैं। ऐसे में प्याज की कीमतों पर इनका असर देखने को मिल सकता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 70 से 80 ट्रक फंसे होने की जानकारी मिली है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में 80,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी और इसमें नासिक से बांग्लादेश को प्याज का निर्यात किया जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश में बढ़ते हुए हिंसा और तनाव के चलते अब सीमा खुलने में 5 से 6 दिन लगने की संभावना है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने ही वाला था, पर सारण पुलिस ने साजिश का भंडाफोड़ किया, छपरा में 3 को किया गिरफ्तार। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई, पर इस पूरी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस क्रम में छपरा में भगवान बाजार थाना के राम जानकी मंदिर के पास पुलिस ने छापेमारी कर पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पहुंचे सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उनका सरगना फरार होने में सफल रहा और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई बढ़ाते हुए सॉल्वर गैंग सरगना कृष्णकांत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की और इस पर सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने का आरोप है। बता दें कि इससे पहले गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्टिफिकेट और बैंक चेक के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। ये कार्रवाई भगवान बाजार पुलिस और एसआईटी की संयुक्त रूप से की गई थी। कुंभ में प्रयागराज में स्टेशन पर बंद रहेगी पार्सल बुकिंग सुविधा, रेलवे ने बताई इसकी वजह। बता दें कि संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ को लेकर रेलवे भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों के मौके पर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जहां एक और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं महाकुंभ के दौरान अगर आप रेलवे से कोई पार्सल भेजना चाहते हैं तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे की ओर से प्रमुख स्नान पर्वों के मौके पर पार्सल सुविधा बंद करने का फैसला लिया गया है। रेलवे की ओर से ये फैसला रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर लिया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, बांग्लादेश संकट पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चेताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्ज्वल भविष्य पर भी ग्रहण लग जाता है। उन्होंने कहा कि संतान धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। घर बेचने वालों को सरकार की ओर से राहत, मुनाफे पर टैक्स देने के लिए मिलेंगे 2 विकल्प। बता दें कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फिर से इस बार इंडेक्सेशन का विकल्प प्रॉपर्टी खरीदारों या विक्रेताओं का दे दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट में रियल एस्टेट सौदों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से इंडेक्सेशन को हटाने का फैसला किया था। इसका काफी विरोध हुआ और अब सरकार ने लोगों की मांग को सुनते हुए इंडेक्सेशन का ऑप्शन फिर से मुहैया करा दिया है। दिल्ली में सिर्फ 12 लाख रुपए में अपना घर, डीडीए लेकर आ रहा है 3 नई हाउसिंग स्कीम, इन इलाकों में मिलेंगे फ्लैट्स। खबर है कि अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए 3 हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने द्वारका में HIG और EWS समेत अन्य कैटेगरी में 3 नई आवास योजनाएं शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके तहत 39,573 फ्लैट्स ऑफर किए जाएंगे। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि ये स्कीम इस महीने के आखिरी तक लॉन्च होने की संभावना है। डीडीए ने एक बयान में कहा है कि कम आय वर्ग वाले परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। इस योजना में फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ पहले पाओ मोड के तहत होगा। हाउसिंग स्कीम के तहत रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में रियायती दरों पर LIG और यहां पर EWS फ्लैट्स ऑफर किए जाएंगे। इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपए होगी।
या मिनिमम बैलेंस नहीं रखने से बैंक कमा रहे हैं पैसे। वित्त मंत्री बोली, इन खातों में नहीं लगता है जुर्माना। बैंकों के द्वारा मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना वसूलने का मामला संसद तक पहुंचा है और इस मामले को लेकर सरकार ने भी जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पीएम जनधन अकाउंट और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। बैंक के द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने अकाउंट में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं। बैंक अकाउंट में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 सालों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बातें कही हैं। ग्रेजुएट भी अब बन सकेंगे स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट। बार बार पेपर देने की भी नहीं होगी जरूरत। अब एक ग्रेजुएट भी स्टॉक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बन सकेगा। सेबी ने इस प्रस्ताव को रखते हुए 6 अगस्त को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और अभी तक इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। सेबी के द्वारा जारी किए गए पेपर में कहा गया है कि देश में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल देश में 961 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। वहीं सेबी का मानना है कि इनकी संख्या कम होने की वजह से लोग फर्जी सलाहकारों के झांसे में आ जाते हैं। अब नहीं बख्शे जाएंगे 3 एस्पिरेंट्स के कातिल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत पर अब एक्शन दिखने लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। सीबीआई ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 एस्पिरेंट्स की मौत के मामले में FIR रजिस्टर कर ली है। इसके साथ ही सीबीआई ने अब अपनी जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वहीं हाईकोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की निगरानी में सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। डायमंड कारोबारी का दिल भी हीरे जैसा। 50,000 कर्मचारियों को दे दी 10 दिन की छुट्टी, खास है दरिया दिली की वजह। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वालों को छुट्टियों का हमेशा रोना रहता है। ऐसे में अगर कोई प्राइवेट कंपनी बिना मांगे ही सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दे तो ये चमत्कार से कम नहीं है, और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 दिनों की छुट्टी। सुनने में आपको अचंभा तो लग रहा होगा, लेकिन सूरत की एक डायमंड कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर ये दरिया दिली दिखाई है। इस डायमंड कारोबारी का दिल भी हीरे जैसा निकला और उसने अपने सभी 50,000 कर्मचारियों को 10 दिन की एक मुफ्त छुट्टी दे दी है। सूरत में डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है किरण जेम्स नाम से, और ये कंपनी नेचुरल पॉलिश्ड डायमंड का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। कंपनी के चेयरमैन वल्लभ भाई लखानी ने अपने 50,000 कर्मचारियों को 10 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है और ये छुट्टी 17 से 27 अगस्त तक चलेगी। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी इन 10 दिनों का कोई पैसा काटेगी। चेयरमैन का कहना है कि ऐसा कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दरअसल वल्लभ भाई लखानी का कहना है कि इस समय डायमंड की ग्लोबल डिमांड काफी गिर गई है, ऐसे में उत्पादन करने का मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ स्टॉक बढ़ाने के लिए उत्पादन करना ठीक नहीं है, लिहाजा उत्पादन को रोकने के लिए हमने 50,000 कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी दे दी है। उन्होंने कहा कि अभी ग्लोबल मार्केट में पॉलिश्ड डायमंड की डिमांड काफी कम हो गई है। विनेश फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में खेल मंत्री के जवाब के बाद भी संसद में हुआ हंगामा। सांसद ने उठाई ये मांग। दरअसल भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के डिस्क्वालिफिकेशन करने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि आखिर किन वजहों की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई किया गया है और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि विनेश फोगाट का वजन 2 बार चेक किया गया था। उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। हमें इंटरनेशनल संस्थाओं से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इसके बाद भी संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद इतने नाराज हो गए कि वे सदन से वॉकआउट कर गए। खेल मंत्री ने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक संघ से शिकायत की है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में भी हमने विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रमुख पीटी उषा से बात की है। पीटी उषा इस वक्त पेरिस में ही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। लोकसभा में खेल मंत्री ने यह भी बताया कि विनेश फोगाट को सरकार की ओर से किस तरह की मदद मुहैया कराई गई। अयोध्या समेत देश भर में जमीनें खरीद रहा है ये समूह। 1700 एकड़ लैंड बैंक बनाने की तैयारी। यूपी के 2 और शहरों पर जोर। खबर है कि देश में प्रॉपर्टी मार्केट अभी बूम पर है और रियल एस्टेट कंपनियां भी इसका भरपूर फायदा उठाने की तैयारी में हैं। और इसी कड़ी में मुंबई के एक बड़े रियल एस्टेट समूह अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने देश भर के कई शहरों में जमीनें खरीदने की योजना बनाई है और समूह इसके लिए 1250 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी भी कर चुका है। पिछले दिनों इस समूह ने अयोध्या में भी जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदा है और वहां एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है।
कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा है कि हम ज्यादातर जमीनें ऐसे राज्य में खरीद रहे हैं जहां पहले से समूह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें यूपी, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी का फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी जमीनें खरीदने पर है और इसके लिए हमने 1250 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। ठहरने की व्यवस्था, फ्री कार सेवा। IGI एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार की स्पेशल हेल्प डेस्क में ये कुछ है खास। अगर आप पंजाब के निवासी हैं और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर अक्सर देश विदेश की यात्रा करते हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। पंजाब के लोगों में विदेश यात्रा का चलन काफी आम है और बड़ी संख्या में हर साल पंजाब के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर अन्य यूरोपीय देशों में जाकर बसते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पंजाब की सरकार IGI एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए एक स्पेशल काउंटर खोलने जा रही है। CM भगवंत मान की सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली GMR कंपनी के साथ एक करार किया है। बताया गया है कि बीते महीने 12 जून को 2 साल के लिए एक समझौते पर कंपनी और पंजाब सरकार के बीच साइन किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह स्पेशल काउंटर 2400 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अपनी सेवाएं मुहैया कराएगा और इस सुविधा केंद्र का उद्देश्य NRI और अन्य यात्रियों को हवाई अड्डे पर हर संभव मदद देना है। दरअसल पंजाब सरकार का कहना है कि इस केंद्र के पास 2 इनोवा कारें होंगी जो यात्रियों की स्थानीय आवाजाही में पंजाब भवन और अन्य नजदीकी स्थानों पर मदद के लिए उपलब्ध रहेंगी। बताया गया है कि कोई भी यात्री या उनके रिश्तेदार की फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट्स, टैक्सी सेवाएं, खोए हुए सामान की सुविधाओं और हवाई अड्डे पर आवश्यक किसी भी अन्य सहायता के लिए मदद ले सकते हैं। विनेश फोगाट पर सरकार ने खर्च किए कितने रुपए, खेल मंत्री ने लोकसभा में बताया, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसे लेकर तमाम लोग सरकार पर विफर पड़े हैं। कई लोगों ने कहा है कि सरकार ने विनेश का साथ नहीं दिया, उन्हें मदद मुहैया नहीं कराई, इस वजह से ऐसी हालत बनी। लेकिन लोकसभा में खेल मंत्री ने जवाब दिया, उससे साफ हो गया है कि सरकार ने विनेश को भरपूर मदद की थी। ये भी बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी करने के लिए क्या क्या मुहैया कराया गया था और कितने से दिए गए थे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी करने के लिए काफी मदद की गई, उनके लिए स्पेशल पर्सनल ट्रेनर नियुक्त किए गए। हंगरी के एक्सपर्ट कोच वोलेर अकोस और फिजियो अश्विन पटिल को उनके लिए नियुक्त किया गया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट स्पारिंग पार्टनर लगाए गए और इन सबको पैसा सरकार की ओर से दिया गया। खेल मंत्री ने बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी कराने पर सरकार 70,45,775 रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं और इस मौके पर उन्होंने खर्च का पूरा ब्यौरा भी दिया है। करंट लगने से मुर्गी या फिर किसी की जान गई तो बिजली विभाग की खैर नहीं, जान लीजिए कि देना होगा कितना मुआवजा। बता दें कि बारिश के सीजन में करंट लगने से मौत की घटना देश भर में अचानक बढ़ गई है। राजधानी में करीब 2 सप्ताह पहले करंट लगने से IAS की पढ़ाई करने वाले छात्र की जान गई थी और इस घटना के बाद काफी हंगामा मचा था, जिसको देखते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ने एक ऐसा नियम लेकर आई है जिसके तहत करंट लगने से अगर आपका मुर्गा भी मर गया तो भी बिजली कंपनी की खैर नहीं होगी, कंपनी को इसके लिए मुआवजा देना होगा और किसी व्यक्ति के करंट लगने से जान जाने पर 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। अगर करंट से गाय, बैल या किसी अन्य पशुधन का आपको नुकसान होता है तब भी मुआवजा देना होगा। नए नियम के मुताबिक बिजली से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति की मौत पर 7.5 लाख रुपए और 60% विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये नियम बीती 25 जुलाई को आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यदि बिजली से संबंधित दुर्घटना में 40-60% चोट लगती है तो व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के लिए 25,000 रुपए और 1 सप्ताह से कम समय के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दिल्ली लीकर स्कैम केस में हाईकोर्ट के जज ने ED से पूछा ऐसा सवाल, मैं उलझन में हूं, क्या केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वहीं ED के वकील एक से एक दलीलें दे रहे थे, बार बार जमानत न देने की डिमांड कर रहे थे। तभी हाईकोर्ट ने ED से ऐसा सवाल पूछ लिया, जवाब देते नहीं बना उनको। जज ने पूछा कि मैं उलझन में हूं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। बता दें आपको कि बाद में यहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी थी।
वहीं तभी से इस मामले पर सुनवाई जज नीना बंसल कृष्णा की अदालत में चल रही है। सुनवाई के बीच ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि ईएसटी एसवी राजू किसी अन्य मामले में व्यस्त है, इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। अदालत छोटी तारीख तय करके इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीजेपी नेता की दो टूक, कहा करनी होगी बड़ी तैयारी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और लगातार हो रहे हिंसा, आगजनी और पलायन को लेकर पूर्णिया और सीमांचल हाई अलर्ट पर है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदू नागरिकों और उनके घरों पर इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले को लेकर बिहार के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील भी हो रही है। अब बिहार की राजनीति में इसको लेकर हलचल तेज है और भाजपा के नेता लगातार कड़े कदम उठाने की मांग भी कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने यहां तक कह दिया है कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश भारत आने और यहां के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी करनी होगी। आज का सुविचार, इंसान का जमीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।